क्योंकि जब मैंने हीलिंग करी तो एक मैसेज एक तरीके का डाउनलोड हुआ, एक साइकिक मैसेज, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई सॉ द एनर्जी ऑफ द जिम. एक बोर्ड होता है ठीक है, जिससे लोग आपने भी देखा होगा बहुत सारी मूवीज में भी दिखा रहे हैं, उससे आंसर्स ले रहे हैं, ए आया, अब बी आया, अब सी आया, प्लान चेक्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इस तरीके की कर रहे हैं यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख के. इमेजिन कितना रिस्की है ये चीज. एंड एक ब्रांड ने, टॉय के ब्रांड ने एक टॉय उस पे टॉय बना दिया है फॉर किड्स, 3 ईयर 2 ईयर किड्स के लिए टॉय बना दिया है, कूल एक ट्रेंड समझ के. कोविड के टाइम पे जब इतने लोग एक्सपायर हुए, मुझसे बहुत आत्माओं ने उस टाइम पे कनेक्ट करा रिलीज होने के लिए, अपनी फैमिली को मैसेजेस देने के लिए. मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी उस टाइम पे, इट वॉज आई थिंक एज अ हीलर इट वॉज द मोस्ट डिस्टर्बिंग टाइम ऑफ माई लाइफ. कोविड के टाइम पे मैंने कम से कम 1000 लोगों को रेकी हीलिंग्स दी हैं. जब मैं बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उसमें मेन रहता है कि हमें ये सीखना है, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है वो उनको सीखना है कि कैसे रीड करते हैं. तो इसको रीड करना अगर कोई नॉर्मल स्टार्ट कर रहा है, क्या ये टोटली सेफ है? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो और आप एनर्जीज के साथ खेल रहे हो. नहीं, आपको एक इन्फॉर्मेशन शो करी जा रही है. ठीक है, वो शो कौन करता है? मास्टर्स, जो आकाशा में जो जो आपने बताया प्रोटेक्टर हैं, आप रखवाले हैं. आप एनर्जी को कब आप यू नो वो कर रहे हो, जब आप आत्माओं को बुला रहे हो, कुछ इस तरीके का कुछ कर रहे हो, वो भी वो जो कुछ लोग प्रैक्टिसेस करते हैं उन्होंने भी इस चीज का ज्ञान पाया है पूरा, तब वो उन प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं, किसी रीजन से कर रहे होंगे. आई कांट कमेंट ऑन दैट क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा डेंजरस होती है. लेकिन आकाशिक बिल्कुल सेफ है और मैं इसको जब सिखाती हूँ तो बहुत सेफ तरीके से ही सिखाती हूँ, क्योंकि जब आप प्रॉपर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, आपने इन्फॉर्मेशन एक्सेस करी, कॉर्ड्स अपने डिस्कनेक्ट करे, प्रेयर क्लोजिंग प्रेयर करी, यू आर इन अ सेफ रैम. आप एक इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर कर आए हो बस. आप वहां जाकर कोई भूत प्रेतों के साथ कुछ वो नहीं कर रहा है, डांसिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है ना. तो ये हमें इसमें डर निकालना पड़ेगा अपने मन से. बिल्कुल, आप मीडियम है. हाँ जी, ठीक है. तो आपसे ये सवाल तो बनता है, कभी कोई ऐसी इविल स्पिरिट्स से, जैसे स्पिरिट्स की भी एक कैटेगरी होती है, पिशाच, भूत, जिन, तो आपका किसी ऐसे जिन की बात करें या पिशाच की बात करें, कभी ऐसा कुछ सामना हुआ है? मैंने जब हीलिंग करी है लामा फेरा हीलिंग के अंदर, बहुत ही कम ऐसी हीलिंग, बहुत ही कम ऐसे सेशंस होते हैं जिसके अंदर विजन दिखता है, विजन डाउनलोड होता है एज अ साइकिक पावर. अगर आपको मास्टर्स दिखाना चाहते हैं, वैसे अगर मैं किसी की हीलिंग करती हूँ तो मैं ऐसे नहीं उनको बोल रही कि मैं आपकी कोई रीडिंग कर कर बताऊंगी या आपकी कोई प्रिडिक्शंस करूंगी, नहीं, वो एक हीलिंग प्रोसेस है. लेकिन मेरी एक क्लाइंट की एक डॉटर है, उनकी हीलिंग हो रही है, शी इज़ अ टीनेजर गर्ल, उनकी हीलिंग चल रही थी एंड उनकी आईज बिल्कुल मतलब एबनॉर्मली अलग सी दिखने लगी. आप बड़ा नॉट रियली बड़ी आंखें नहीं, मतलब कि कुछ अलग सा, कैसे एक्सप्लेन करूं मुझे नहीं समझ आ रहा, बट फटी फटी सी आंखें जैसे बिल्कुल तो उस तरीके से दिखने लगी. तो उनके जब मैंने हीलिंग करी तो एक मैसेज एक तरीके का डाउनलोड हुआ, एक साइकिक मैसेज, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई सॉ द एनर्जी ऑफ द जिन. उससे पहले मैंने कभी जिन की एनर्जी को नहीं देखा था. एंड ऑब्वियसली जब आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम देखते हो तो आपको डर लगती है कि ये क्या चीज बन जाता है. लेकिन लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग इतनी पावरफुल है, उसने एक मिनट के लिए भी वो नहीं होने दिया. और जब हीलिंग प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, यू कैन जस्ट से कि आई एम सरेंडरिंग इट टू यू बुद्धा, अब आप देखिए. ठीक है, तो बुद्धा इंस्टेंटली आपको अपनी एक शील्ड के अंदर, अपने एक लोटस के अंदर वो प्रोटेक्ट कर लेंगे एंड देन ही विल टेक केयर ऑफ दैट इशू एंड ऑफ दैट प्रॉब्लम. क्योंकि जैसे अच्छी शक्तियां हैं, शक्ति है बेसिकली, द वर्ड इज शक्ति, तो वो इंसान की फितरत है. जैसे इंसान की आज के ज़माने में फितरत है ना, कुछ लोग एक ही अपॉर्चुनिटी को अच्छे चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, कुछ लोग सेम ही अपॉर्चुनिटी को बुरी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे. ऐसे ही आत्माएं हैं, कुछ अच्छे यूज़ करेंगे और कुछ बुरे. आपने लामा फेरा की बात की है, ये लामा फेरा
एक्चुअल में है क्या. सबसे बड़ी चीज ये, सिर्फ जहां तक मैं इसको जानती हूँ या समझती हूँ, कि ये नेगेटिव एनर्जीज को एक तरह से कम्प्लीटली इसे खत्म कर देता है, हाँ रिलीज कर देता है, जो लामा फेरा की बात कर रहे हैं. तो ये बेसिकली सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज को ही रिलीज करता है या इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है. लामा फेरा हीलिंग जो है ना, ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है ये करते थे हीलिंग. अब हम आम व्यक्तियों में भी आप एक तरीके से समझ लीजिए कि हम भी इसको कर रहे हैं, क्योंकि इसको एसके सैनी जी जो है इंडिया में लेकर आए, इन्होंने उसका थोड़ा अच्छा ये बाहर के बाहर कहा कि इंडिया नहीं, के नहीं, बाहर नहीं, एसके सैनी जी ने इसको मतलब एक तरीके से इसका प्रचार करा. लामा फेरा तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी की एक तरीके से हीलिंग है. बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है इस हीलिंग को जो है करते हैं सफरिंग्स को एलिवेट करने के लिए. जैसे नमी हो रेंगे क्यों एक मंत्र है चैंट करना, ये भी सफरिंग्स को एलिवेट करने के लिए है. अच्छा अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके बारे में और शेयर कर सकती हूँ आफ्टर एक्सप्लेनिंग लामा फेरा. तो लामा फेरा हीलिंग आपकी लाइफ में किसी भी फॉर्म ऑफ ब्लॉकेज है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हमें ये नहीं समझना कि ये जादू है कि जैसे आपकी मैंने हीलिंग करी और आपकी बॉडी का कोई दर्द ही नहीं, अब हम भागने लगे. जैसे कुछ यूट्यूब वीडियोज में दिखाते हैं ना कि ये हुआ और अब भागने लगे जी, नहीं इट्स नॉट लाइक दैट. आपकी सोल इतने लाइफ मतलब इतने टाइम से कोई प्रॉब्लम कैरी कर रहा है. लाइक कोई लेडी है, उनके इतने टाइम से नी में बहुत पेन है और 25 ईयर से वो पेन ही नहीं गया. नाउ इन 5 हीलिंग सेशन हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो कम्प्लीटली गायब हो जाएगा. दैट इज लाइक ऐसा नहीं होता है. आपके रूट कॉज पे वो हीलिंग जो है काम करती है. आपके इतने कॉजेज और होंगे आपकी बॉडी में, कुछ ट्रॉमाज होंगे, कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड ट्रॉमाज हो सकते हैं, वो उनको रिलीज करने में हेल्प करती है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 500 करोड़ पास्ट लाइफ जी हैं तो वो 500 करोड़ को हील कर रही है एक साथ, नहीं. जो उस कॉज के लिए ज़रूरी है उस टाइम पे वो उस चीज़ को रिलीज कर रहा होगा आपकी बॉडी में, सोल लेवल पे वर्क कर रहा होगा. और नोइंगली अनोइंगली आपको अपनी बॉडी के अंदर ना फर्स्ट डे हैवीनेस फील होगी. अच्छा. जब आप हीलिंग कराएंगे आपको बहुत प्यास लगेगी, बहुत प्यास लगेगी. मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट भी एक्सपीरियंस करते हैं. हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है इसके अंदर. बट देन दे स्टार्ट एक्चुअली फीलिंग कि उनके जो काम रुके हुए हैं उसमें ब्लॉक्स रिमूवल हो रहे हैं, जॉब नहीं लग पा रही थी तो कुछ लोगों की जॉब लग जाती है. अभी एक मेरी क्लाइंट है तो उसका बहुत ही अच्छे जुडिशियल पोजीशन का उसका कुछ काम बहुत ज्यादा अटका हुआ था. अच्छा. लामा कोई लेटर अटका हुआ था, लामा फेरा हीलिंग लेते ही वो लेटर सेम फर्स्ट डे पे ही हीलिंग पे वो आ गया. तो इस चीज के लिए लामा फेरा क्यों यूज किया, मतलब ये क्योंकि तो ये आपकी ब्लॉकेज को रिमूव करेगा किसी भी फॉर्म तो में. ये तो और भी बाकी के चीजें भी होती है, जैसे आप रेकी करती हैं तो ये उसमें रेकी काम नहीं करती है. रेकी का जो प्रोसेस है, देखिए दो दो डिफरेंट मोडालिटीज हैं, है ना. हमें यहाँ पे जाना है, दो रास्ते आपके होंगे. लामा फेरा हीलिंग जो है ना वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हीलिंग मोडालिटी है. ओके. पूरे वर्ल्ड की फास्टेस्ट हीलिंग मोडालिटी है. तो इसीलिए लामा फेरा हीलिंग, रेकी हीलिंग एक सॉफ्टर मोडालिटी है, धीरे धीरे कर कर एक एक हिस्से पे प्यार प्यार से जो है काम कर रही है. और जैसे मम्मा है ना, और जो ये वाली हीलिंग है ये थोड़ा आपको वो काम थोड़ा और जल्दी वे में करती है, इस तरीके से है. ओके. जैसे बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा बैड लक हट जाए, मतलब एक होता है ना कि लक को ज्यादा चाहते हैं कि होए हर चीज में. तो ये भी ऐसे भी क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे जो अपना बैड लक को गुड लक में बदलना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए आप कौन सी थेरेपी, रेकी या देखो जो हमारी वैसे डेस्टिनी में जो चीज नहीं है उसको अगर हम किसी तरीके से करने की कोशिश करें तो एक तरीके से वो कर्मा के साथ आप चेंजेस कर रहे हो. ठीक है. अच्छा. कि जो चीज आपकी किस्मत में नहीं है, है ना, आप उसको वो कर रहे हो इन अ वे. आपको समझ आ गया कि नहीं, दिस इज नॉट, वो तो आपसे सॉल्यूशन लेने आ रहा है. सॉल्यूशन का भी ना एक वो होता है, एक मैं आपको बताऊँ एक लिमिट समझाने के तौर पे मैं आपको. अच्छा. बता रही हूँ. अब किसी की जॉब नहीं लग पा रही, बहुत दिक्कत हो रही है, उसकी लाइफ में कुछ जनरल ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह, जिस हीलिंग से वो ब्लॉकेज को वो रिमूव कर दिया. ठीक है. अब कोई क्लाइंट बोल रहा है कि मैम मेरी कोई ऐसी हीलिंग कर दो जिससे मैं इस कंपनी का वीपी बन जाऊं. अच्छा, मतलब और डिमांड. हाँ, ऐसे और लालच डिमांड. हीलिंग तब काम करेगी जब आपके वो डेस्टिनी के अंदर चीज वो होगी और आप दिक्कत कर रहे हो, आपकी सफरिंग्स हो रही है. यूनिवर्स, बुद्धा या जो भी कॉन्शियसनेस से आप हीलिंग ले रहे हो उसको पता है. अभी आपने ये हीलिंग देखी, जब जरूरत नहीं थी वो हीलिंग नहीं निकली. ऐसे
इट इज जस्ट लाइक अ यूनिवर्सल एनर्जी. ऐसे ही अगर यूनिवर्स को पता है ये इंसान की, बहुत सारे लोग हैं जो कि सट्टेबाजी के लिए टैरोस को यूज करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए टैरो को यूज करते हैं, जो कि एक, अगर आप किसी बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हो, आपने एक बार या दो बार स्टॉक मार्केट के लिए कुछ पूछ लिया तो दैट इज डिफरेंट. लेकिन उसका चस्का लग जाना, लॉटरी के टिकट के लिए लोग टैरो को यूज कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से गलत चीज है, क्योंकि आप अपनी सफरिंग्स के लिए वहां पे गए हो, आप अपनी इस तरीके की चीजों के लिए नहीं गए हो आप यूनिवर्सल एनर्जी से हेल्प लेने. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी का बैड लक गुड लक में नहीं बदल सकते, कुछ रेमेडीज ऐसी तक रिलीफ होती रिलीज होते हैं, ठीक है. जैसे कई बार एक सीरीज ऑफ बैड इवेंट्स चल रहा है और वो नजर की वजह से या ब्लैक मैजिक की वजह से चल रहा है, ठीक है, तो वो जैसे ही हटेगा, क्योंकि ये तो नजर तो अभी लगी है इसको, है ना, ये किस्मत पे नहीं, मतलब किस्मत उसकी अलग चल रही है, नजर उस पे लगी है, ब्लैक मैजिक किसी ने करवा दिया है जान के उसके ऊपर कि इसकी किस्मत खराब हो, तो यहाँ पे किसी ने उसकी किस्मत से खिलवाड़ करने की कोशिश करी. अब मैंने ये दोनों चीजें विद द हेल्प ऑफ हीलिंग रिमूव कर दी, उनको ऐसा लगेगा कि मैंने उनकी तकदीर बदल दी. मैंने उनकी तकदीर नहीं बदल रही हूँ, मैं सिर्फ उनकी सफरिंग्स जो इसी लाइफ टाइम में आई हैं उसको रिलीज करने की कोशिश कर रही हूँ, या कुछ पास्ट लाइफ टाइम की भी हो सकती हैं प्रॉब्लम्स जिसको रिलीज करने की कोशिश कर रही हूँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपकी, आपको मेरा हील करना या आपको हीलर मिलना वो भी आपकी डेस्टिनी में था, इन अ वे आप समझ रहे हैं. ये ऐसी बात नहीं होगी जैसे आपने कहा कि किसी की डेस्टिनी के साथ खेलना होगा. जैसे मान लीजिए आप किसी सोल के साथ कनेक्ट होती हैं, वो ऑलरेडी कहीं जन्म ले चुकी है और वो अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी रही है या व्हाटएवर वो जो भी अपनी लाइफ में कर रही है, अगर आप क्लाइंट के थ्रू उस एनर्जी को या उस एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो एक तरह से उसके साथ खेलना नहीं हुआ, एक तरीके से टेलीपैथी. हम उसकी एनर्जी को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम उसको कहीं बुला नहीं रहे, उसको परेशान नहीं कर रहे, बट फिर भी उसे कहीं ना कहीं कुछ तो आभास होगा ऐसा कि मेरी एनर्जी नहीं, के साथ वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो इन्फॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. उस एनर्जी को कुछ नहीं होता, उस एनर्जी को कुछ नहीं होगा, उस एनर्जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, आकाशिक के थ्रू बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आकाशिक इज अ वेरी बिग बॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन. आकाशिक के थ्रू नहीं होगी, किसी और के थ्रू हो सकती है ऐसा? हाँ हाँ, अगर अच्छा. कोई अलग मीन्स ऑफ प्रैक्टिस, कुछ अलग मीन्स है, कुछ अलग प्रैक्टिस है जिसके अंदर स्पिरिट को बकायदा, कई लोग तो उसको गेम बना देते हैं. Right. I was so shocked. There's a very big brand of toys, ठीक है, जिसने I will even not take the name because I don't want people to search about it. एक बोर्ड होता है, ठीक है, जिससे लोग आपने भी देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में भी दिखा रहे हैं, उससे आंसर्स ले रहे हैं, ए आया, अब बी आया, अब सी आया, प्लैनचिट्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इस तरीके की कर रहे हैं यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख के. इमेजिन कितना रिस्की है ये चीज. एंड एक ब्रांड ने, टॉय के ब्रांड ने एक टॉय, उस पे टॉय बना दिया है फॉर किड्स, थ्री इयर्स टू इयर किड्स के लिए टॉय बना दिया है, कूल एक ट्रेंड समझ के. सो नहीं, बिल्कुल ये चीजें आप किसी एक्सपर्ट से सीख के ही करें, अदरवाइज डेंजरस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं. अगर मान लो आप सोचिए, आकाशिक ही रिकॉर्डिंग में सीखने लग जाती हूँ, ठीक है, आप गूगल करती हैं, गूगल पे आपको हजार तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी. आप, मैं कर कर देखता हूँ कि प्रोटेक्शन नहीं आता है आपको, डिस्कनेक्ट नहीं करना आता है आपको, कॉर्ड कटिंग नहीं करना आता है आपने, हो सकता है कुछ गलत प्रेयर पढ़ लिया, उसका प्रोनंसिएशन कुछ गलत कर लिया, यू विल अट्रैक्ट रॉन्ग एनर्जीज. अ मेंटर, अ गाइड, अ गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. और मैंने भी मेंटर से ही चीजें सीखी हैं, या फिर बकायदा जो प्रॉपर किताबों के अंदर जो मेंशनड है, जब आप बुक्स रीड कर रहे हैं, एक ऑथराइज्ड ऑथर की कोई किताब है, क्योंकि इंटरनेट में आधी इन्फॉर्मेशन इधर है, आधी इन्फॉर्मेशन इधर है, टूटी फूटी किताब एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, या तो किताब से सीखो या गुरु से सीखो, मेरे अकॉर्डिंग. तो मतलब जैसे बोर्ड की अभी हमने बात की थी, जैसे बोर्ड है तो आंसर्स लेने के लिए किसी स्पिरिट को बुलाते हैं, कई लोग ऐसा ट्राई करते हैं, तो ये सच में पॉसिबल है? मतलब ये होता है ऐसा कि कोई स्पिरिट आती है, और कई बार ऐसा होता है कि जिसको बुलाना चाहते हैं वो ना आकर के कोई दूसरी स्पिरिट आ जाती है, तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा होता है? जब मैंने ऑटो राइटिंग, आकाशिक ऑटो राइटिंग, जब मैंने दूसरी ऑटो राइटिंग सीखी थी, तब एक स्पिरिट को कांटेक्ट करा था, एंड वो स्पिरिट स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज जो मुझे नहीं आती थी. तो मुझे, जिस स्पिरिट से मैं कांटेक्ट करना चाहती थी, मुझे पता है कि उस स्पिरिट को तो ये लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो मैंने पूछा कि आर यू द स्पिरिट ऑफ दिस,
जिसको बोलते हैं ना रॉन्ग नंबर लग गया, तो वो वाली सिचुएशन थी. बट अंडर द गाइडेंस ऑफ द मेंटर, व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन, मैंने अपनी मेंटर से पूछा, उन्होंने जो गाइडेंस दी उसके हिसाब से. अब मैं उस गाइडेंस को भी ऑन कैमरा नहीं बोल रही, बिकॉज अदरवाइज पीपल जस्ट कीप ऑन प्लेइंग अराउंड विद दीज थिंग्स. तो वो स्पिरिट जो है फिर चली गई. समटाइम्स स्पिरिट्स आपसे कॉन्टैक्ट भी करना चाहती हैं, वो हेल्प मांगना चाहती हैं. एक स्पिरिट है थी सॉरी एक स्पिरिट एक गर्ल की स्पिरिट थी, बहुत उसने छोटी उम्र में सुसाइड कमिट कर ली थी. वो दीदी दीदी बोलकर दीदी बोलकर उसने हेल्प ली है. एंड आई हैव रिलीज्ड हर स्पिरिट इन अ टेम्पल. लाइक टेम्पल के ऐसे नहीं कि मैं स्पिरिट को टेम्पल के अंदर छोड़कर आ गई हूँ. मेरे को एक साइकिक डाउनलोड आया कि मुझे उस टेम्पल तक जाना है, टेम्पल के अंदर जाके मुझे जो ईश्वर है वहाँ पर, उसके बाद उस टेम्पल से जो है उस स्पिरिट को जो है ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ जो है ले जाएंगे. बट ये कोई मेरी क्लाइंट नहीं थी. कुछ आत्माएं होती हैं, कुछ वो साइकिक्स को ढूंढती रहती हैं. कोविड के टाइम पे जब इतने लोग एक्सपायर हुए, मुझसे बहुत आत्माओं ने उस टाइम पे कनेक्ट करा रिलीज होने के लिए, अपनी फैमिली को मैसेजेस देने के लिए. मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी उस टाइम पे. इट वॉज आई थिंक एज अ हीलर इट वॉज द मोस्ट डिस्टर्बिंग टाइम ऑफ माई लाइफ. कोविड के टाइम पे मैंने कम से कम 1000-1000 लोगों को रेकी हीलिंग्स दी हैं, 1000-1000 विदाउट एनी चार्जेस. हमने एक एज अ कम्युनिटी ऑफ हीलर्स हम मतलब आई केम फॉरवर्ड, वी क्रिएटेड अ ग्रुप एंड देन उसके अंदर मैंने बहुत सारे हीलर्स को अपने साथ जोड़ा एंड हम बहुत सारे हीलर्स ग्रुप हीलिंग करते थे. और हम इतना ड्रेन होते थे, कभी ग्रुप पे आए कुछ इन्फॉर्मेशन आती थी किसी के लिए, अब सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है. उस ग्रुप के अंदर से भी बहुत सारे स्पिरिट्स जो हैं जिन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी. तो अगेन हीलर्स लाइफ इज़ नॉट कप ऑफ केक. तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी उस टाइम पे आपने कोविड के टाइम पे बहुत सारी सोल्स को जो है रिलीज किया था, रैंडमली भी आप देख सकती हैं या फिर आपको उस उस स्टेज में जाना पड़ता है जब आप नेगेटिव या किसी भी एनर्जी को देख सकती हैं? क्लियर सीइंग एक क्लियर आपका होता है, आपकी साइकिक के अंदर ना बड़ी सारी चीजें होती हैं. कुछ लोगों को सुनने की होती है, कुछ लोगों को देखने की होती है. मेरे को ऑल द टाइम कुछ क्लाइंट्स हैं ऐसे जिनको ऑल द टाइम्स हर समय आत्माएं दिखती हैं, हर समय. एक तो इनफैक्ट एक बच्ची मेरी मम्मा के एक क्लाइंट है, एक बच्ची को ही एवरी टाइम. इसका रीजन क्या होता है कि किसी को ये एनर्जीज दिखती हैं? पास्ट लाइफ की चीजें होती हैं, कुछ लोगों की पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग्स होती हैं, एक शक्ति होती है उनकी, क्लियर सीन की शक्ति. लेकिन ये ब्लेसिंग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक बच्चे को नहीं पता वो एनर्जीज देख रहा है, तो उसका तो एक तरह से बचपन जो है वो पूरे ट्रॉमा में ही चला गया. बिल्कुल है, पर यही लोग फिर एक्सीलेंट साइकिक्स बनते हैं इन द फ्यूचर. मैंने जितने भी जो मेरे इंटरनेशनल टीचर्स हैं वो बड़ी ओपनली इन चीजों की जो है बात करते हैं. तो उन्होंने बताया है कि उनके बचपन में कैसे उनको साइडलाइन कर दिया गया था. अच्छा. क्योंकि वो इस तरीके की जो है बातें बताते थे एंड इस तरीके की चीजें करते थे. तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में खुद एक बहुत बड़ा पेन होता है, हीलर्स विल एग्री टू दिस, बहुत बड़ा एक कोई पेन होता है जो आपको यहाँ पर शिफ्ट करता है. क्योंकि मेरी गुरु ने ना मेरे को एक बात बोली थी. एक बार मैं अपनी गुरु के पास गई, मैं बहुत रो रही थी. मैंने कहा मैम मैं इतने लोगों को हेल्प करती हूँ, मैं इतना, फिर मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है? जैसे एक बच्चा एक माँ के पास जाता है, क्यों हो रहा है ये मेरी? उन्होंने बोला रेशम आपको एक बात पता है कि तुम्हें इतना दर्द क्यों दे रही है माँ? मतलब आई बिलीव इन माँ काली, पता है तुम्हें इतना दर्द क्यों दे रही है माँ? मैम बोला क्यों? क्योंकि जब तुम इस दर्द को नहीं समझ पाओगी फिर तुम्हें दूसरों का दर्द नहीं समझ आएगा. सो हीलर्स बनते ही वो लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत गहरा पेन होता है, वो फिर इसके अंदर जो आते हैं. और हीलर का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान ए टू जेड कम्प्लीटली हील्ड है और उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही है. उसे भी बाद में हीलिंग की जरूरत पड़ती होगी. उसको तो आपसे ज्यादा हीलिंग की जरूरत पड़ती है. बिल्कुल.